हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के लास्ट में अगर पता चलता है कि बच्चा उल्टा है तो सबको यही टेंशन होती है कि बच्चा उल्टा कैसे हो गया, अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, इसको सीधा कर सकते हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या वो तरीके आप अपना सकती हैं जिससे बच्चे को घूमने में मदद होगी और उल्टा बच्चा जो है वो आसानी से सीधा हो जाएगा। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट और IVF कंसल्टेंट, और अपने इस चैनल पर हम हेल्थ से जुड़ी सारी समस्याओं पर बात करते हैं। अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी, IVF और दूसरी बीमारियों से बचने के तरीकों पर बात होती है। तो चलिए देखते हैं, मेजॉरिटी बच्चे, उनका जो है हेड बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, हैवी रहता है, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। लेकिन कुछ 3 से 4% बेबीज़ में उनका हेड जो है वो ऊपर की तरफ रहता है, इसीलिए उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब पैर और बटक्स नीचे रहते हैं तो बच्चे उसको कैसे भी फोल्ड करके रख सकते हैं। कुछ बच्चे दोनों पैरों को उठा के रखते हैं, कुछ बच्चे जो है वो नीचे की साइड फोल्ड करके रखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसा लगता है कि खड़े हैं, उसको कि हम फुटलिंग ब्रीच भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो है कॉर्ड प्रोलैप्स, मतलब बच्चे की जो नाल है, जो बच्चेदानी और बच्चे के जो बीच का जो कनेक्शन है, वो कभी कभी बाहर आने का चांस रहता है। इसीलिए कई बारी जो है ऐसे प्रेजेंटेशन में आपको सिजेरियन एडवाइस किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा खतरे भरा हो सकता है। अब देखते हैं कि क्यों कुछ बच्चे जो है वो ब्रीच हो जाते हैं। उसका कारण है कि कभी कभी पानी अगर कम हो जाए किसी कारण से, या तो आपका प्रेशर बढ़ जाए या फिर अंदर पानी बन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को घूमने की जगह कम मिलती है और वो उनका हेड ऊपर हो जाता है और ब्रीच प्रेजेंटेशन हो जाता है। उसके अलावा अगर बच्चेदानी में किसी तरह की कोई गांठ है, या फिर जो प्लेसेंटा है जिसको कि पुरैन भी कहते हैं, वो नीचे की तरफ है, तो ऐसे बच्चों में भी देखा गया है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि आपको क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि आपको अपना वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। ज़्यादा वेट गेन अगर प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो उस वजह से भी ब्रीच प्रेजेंटेशन हो जाता है। कुछ लोगों में ये मिथ होता है कि प्रेगनेंसी में वो बहुत ज़्यादा डबल खाना खाते हैं, तो इस तरह के मिथ भी जो है वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 10 किलो के आसपास भी अगर आपका वज़न बढ़ता है तो उतना भी बहुत है। तो आप अपना वज़न बहुत ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए, उसके लिए आपको हेल्दी हैबिट्स रखने होंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। दूसरी बात, प्रेगनेंसी में आपको कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कि वो रेस्ट लेते हैं, जबकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। इसमें आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी जारी रखना है, एक्सरसाइज को आपको करते रहना चाहिए। योगा आसन आप कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, हल्के पुल्के जॉगिंग कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो बढ़ने से जो है वो बच्चे को पानी की कमी नहीं होगी और मूवमेंट भी बच्चे का अच्छा होगा और बच्चा जो है वो आसानी से सीधा हो जाएगा। उसके अलावा कैट पोज या बटरफ्लाई आसन, और जो तीसरा जो आसन है जो मैंने अपने पेशेंट पे डिमॉन्स्ट्रेट किया था, उसका क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जो है लेटने से बच्चे को स्पेस बहुत मिलता है और वो आसानी से जो है वो घूम सकता है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये वाला जो पेल्विक एरिया है, ये जो हिप पोर्शन है, ये थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, दोनों पैर थोड़े से दूर दूर। बेसिकली इस प्रोसीजर का फायदा ये है कि इसमें बच्चे को जो है नीचे के एरिया में पेल्विस एरिया थोड़ा ब्रॉडन होता है, तो उसको घूमने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलता है, क्योंकि हेड जो है उसको फिट होने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती। तो इस तरह से अगर आप लेटेंगे तो ये जो है बच्चे को घूमने में बहुत मदद करता है। आप ध्यान से देख लीजिए इस पोजिशन को, और इससे लेटने में बच्चा जो है आसानी से घूम जाएगा। इस तरह के एक्सरसाइज 7th या 8th मंथ से आप स्टार्ट करते हो तो बच्चे को घूमने में बहुत ही आसानी होगी। उसके अलावा कुछ कंडीशंस, अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है या फिर स्टिच पड़ा हुआ है, तब आपको ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। और जो इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप रेगुलर चेकअप में रहो, क्योंकि अगर कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है, जैसे पानी कम हो रहा है या कोई गांठ डेवलप हो रही है जो बच्चे को घूमने नहीं दे रही है, तो उसका पता जो है वो पहले ही लगाया जाए और उसकी जो है वो दवा दे दी जाए। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप कुछ डाउट हो या नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देती हूँ। चैनल से जुड़े रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग प्रेगनेंसी की कुछ समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।